जो दुष्ट लोग हैं ना उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। दुष्टों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य पंडित जी लिखे हैं कि सकटम पंच हस्तेन दस हस्तेन वाजिनम हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जो गधा है ना गधा से पांच हाथ दूर रहना चाहिए, और जो बैल है ना बैल से दस हाथ दूर रहना चाहिए, और जो हाथी है ना हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। तो गधा से तो 5 ही हाथ दूर रहना चाहिए, बैल से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है ना उनसे 5 हाथ नहीं, 10 हाथ दूर नहीं, 100 हाथ दूर नहीं, वो जिस गांव में रहते हैं वो गांव ही छोड़ देना चाहिए। देश त्यागे न दुर्जनम। क्यों? तो आगे लिखते हैं, क्योंकि तक्ष कस्य विषम दंते मक्षिका यास्तु मस्तके वृषिश्चकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं ना उनके हर एक अंग अंग में विष होता है। कहते हैं कि जो सांप होता है ना सांप के केवल एक अंग उसके दांत में विष होता है, और जो मक्खी होती है ना मक्खी के केवल एक अंग उसके मस्तक में विष होता है, और बिच्छू जो है बिच्छू के केवल एक अंग उसके पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना उनके एक अंग में विष नहीं उनके सारे अंग में विष होता है। वो बोलेंगे भी तो किसी को गाली देंगे, सुनेंगे भी तो किसी की निंदा सुनेंगे, करेंगे भी तो कुछ गलत काम करेंगे, हर एक अंग में विष होता है। इसलिए ऐसे दुष्टों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं जो असाधु हैं उनसे सदैव हानि ही है। जो दुष्ट हैं उनसे बैर करो तब तो हानि है ही, उनसे प्रेम करो तब भी हानि है। जैसे संत लोग कहते हैं कि जो कुत्ता होता है ना कुत्ता से प्रेम करेंगे तो भी हानि, और बैर करेंगे तो भी हानि है। कुत्ता से प्रेम करेंगे तो हमारा मुंह चाटने लगेगा, और उससे बैर करेंगे तो काटने के लिए दौड़ेगा, है कि नहीं? खैर आज तो लोग कुत्तों से मुंह चटवाते हैं, कुत्ता दास बन रहे हैं लोग, कृष्ण दास छोड़ करके कुत्ता दास बन रहे हैं। तो इसी तरह से दुष्टों से बैर करो तब तो हानि है ही, प्रेम करो तब भी हानि है। जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोयला गर्म हो चाहे ठंडा हो उसको छुएंगे तो हानि ही है। अगर ठंडा होगा तो हाथ काला करेगा, और गर्म होगा तो हाथ को जलाएगा, उसे हानि ही है। वैसे दुष्ट आदमी से बैर करो तो हानि है, ये प्रेम करो तब भी हानि है। इसलिए मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे दुष्टों का संग त्याग करके साधु संग करना चाहिए। तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजय राम नाम रस पीजय मनुआ राम नाम रस पीजय। तो मीराबाई जी कहती हैं कि दुष्टों का संग छोड़ करके साधु संग करना चाहिए।